शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में आउटसोर्सिंग भर्तियां और सरकारी खरीददारी जेम पोर्टल के जरिए किया जाएगा, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह के निर्देशन में एक बैठक का आयोजन विकास भवन के सभागार में किया गया, जिसमें संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जेम पोर्टल की बारीकियों के संबंध में जानकारी दी गई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल से जोड़ दिया है। अब सरकारी विभाग अपने उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को ई पोर्टल जेम के जरिए खरीदेंगे, यानी सभी तरह की खरीदारी ऑनलाइन होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, उससे आप टेंडर क्रिएट करेंगे। टेंडर क्रिएशन में हर वर्क एक नोटिस के अंदर जितना वर्क होगा उसको आपको बिल ऑफ क्वांटिटी अपलोड करनी है। पेपर में निकालते हैं ना, तो एक टेंडर बनाते होंगे कि हमको ये काम कराना है और ये चीज़ें हमको चाहिए। जो चीज़ें होती हैं वो आप पूरा उसमें एक एक डालना पड़ेगा आपको, मतलब टेंडर बनाना पड़ेगा और टेंडर बना करके प्रकाशन कर देंगे। जैसे नहीं पेपर में प्रकाशन कर देते हैं, क्या क्या कोई दो होता है ना, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड। तो आप चाहे एक दिन रख लीजिए या दो दिन रख लीजिए, अलग अलग उस पर टिक करना रहता है किस दिन। पहले कौन खुलता है फाइनेंशियल बिड, चाहे तो एक ही दिन खोल लीजिए चाहे एक दिन का अंतर करके खोल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है एक दिन का अंतर रखते हैं। ठीक है, पहले टेक्निकल बिड खोल लेंगे फिर फाइनेंशियल बिड खोल लेंगे। फाइनेंशियल बिड में आपको एक वो चाहिए, मतलब एक अकाउंटेंट का चाहिए, अकाउंटेंट या तो DPRO ऑफिस के कोई हो जाएंगे या ब्लॉक के कोई हो जाएंगे, क्योंकि बिना अकाउंटेंट के आप लोग नहीं कर पाएंगे उसमें, एक होना चाहिए। ग्राम पंचायत में हो जाएंगे लोग, यही हो जाएंगे लोग, एक प्रधान जी हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे उसका। ये लोग खोलना नहीं है, खोलना जिला स्तरीय कमेटी, जिला स्तरीय यहाँ पब्लिश करके जब कमेटी इनको पास करके दे देगी वापस। ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो नए शासन आदेश आए हैं, जैसे परचेज को लेके, जेम पोर्टल को लेके, जो गवर्नमेंट ई मार्केट है और उसके जो परचेज के नए नियम जो समय समय पे निर्गत किए जाते हैं शासन द्वारा, तो हमारे कर्मचारियों को उसके से अवगत कराने के लिए ये किया जाए।